फ्रंट एंड और बैक एंड, समटाइम फ्रंट एंड जो है वो रिएक्ट पे डिजाइन किया जाता है. अच्छा, रिएक्ट पे जो फ्रंट एंड आता है, रिएक्ट पे फ्रंट एंड सारा इस पे डिसाइड होगा, बैक एंड हमारी नॉर्थ वाली साइड पे चली जाती है. एक्सप्रेस एक किस्म का फ्रेमवर्क है. देन हमारे पास मोंगो डीबी आ जाती है, डेटाबेसेस आ जाते हैं, माई सीक्वल है, मोंगो है, एंड डिफरेंट डेटाबेसेस व्हिच आर टेक्निकली नॉन टेक्निकली कनेक्टेड टू द सेम साइट. तो हम इसको डिस्कस करेंगे. तो पहले एक्चुअली ये देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर क्या है. व्हाट इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर किस तरह डिजाइन हो रहा है. अब स्ट्रक्चर डिजाइन जब किया जाता है तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्ट्रक्चर में हमारे पास डिफरेंट रूल्स होते हैं. तो जैसे मैंने कहा कि पहले फ्रंट एंड होता है जिसको हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट कहते हैं, या फ्रंट पार्ट कहते हैं, थ्रू विच वी कैन स्टार्ट द वेबसाइट डेवलपमेंट. तो रिएक्ट में हमारे पास चीजें डिजाइन होती है. रिएक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ HTML, CSS, JavaScript, क्योंकि JavaScript का ही पार्ट है React. Then Bootstrap. तो अगर हम ये चार चीजें इकट्ठी यूज करें, besides इसके कि हम एक ही दफा React यूज कर लें, React है, फिर हमारे पास Angular यूज होती है, we have an Angular part as well. तो different categories हैं. Different categories में हमारे पास different rules भी define किए जाते हैं. So can you make this session simple for those who do not have any knowledge of the web development? Jawad. Okay. Let's go aur simple leke aaye. Which means ke mujhe isko thoda sa change karna padega fir. Means I have to change the things. इसको थोड़ा सा फिर चेंज करते हैं कि हम इसको और बेसिक से कैसे लेके जाएंगे. ओके, तो एक्चुअली वेब डिजाइन पता क्या होती है, वेब डेवलपमेंट क्या होती है. अगर हम इसको डिस्कस करें कि वेब डिजाइन कैसे की जाती है या किसी भी चीज को डेवलप कैसे किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेब डेवलपमेंट. तो हम कोई भी इंटरफेस देखते हैं ना, एनी काइंड ऑफ इंटरफेस दैट वी आर गोइंग टू हैव, लाइक हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, MIT. देखो, हम किसी भी जगह से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं, लाइक MIT है हमारे पास, ई-कॉमर्स की है, दराज है, draaz.pk है, इस तरह फिर अली एक्सप्रेस है, अलीबाबा है. सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स. हमारी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स है ना, वो डिफरेंट क्राइटेरिया पे ऐड होती हैं या डिफरेंट क्राइटेरिया पे आती हैं. तो हर वेबसाइट के ऊपर एक उसका अपना क्राइटेरिया सेट होता है. दराज का अपना है, MIT का अपना है, अब अलीबाबा का अपना है, दराज का अपना है. सो एवरी वेबसाइट हैव अ क्राइटेरिया, एवरी वेबसाइट है. अब इसको कहते हैं वेब. अब ये जो आपको चीज एक इंटरफेस नजर आ रहा है, ये जो आपको वेबसाइट पे कोई चीज चलती हुई नजर आ रही है, इस तरह कोई चीज आपको नजर आ रही है, या डिफरेंट कैटेगरीज नजर आ रही है, यू कैन से. So these categories belongs to somehow at the same places, at the same part. So if मतलब कहने का ये है कि आपको जो ये चीज नजर आ रही है, ये फ्रंट एंड है. फ्रंट एंड जो आपको दिख रहा है, the things that you are seeing on some kind of Google pages. So this is actually the interface. जो आपको इंटरफेस एक्चुअली में एक नजर आ रहा है, इंटरफेस ये होता है जो आप देख रहे हो, जो आप समझ रहे हो.
तो मतलब कहने का ये है कि आपको जो फ्रंट एंड नजर आएगा दैट इज समथिंग एल्स, क्योंकि जो बैक एंड के ऊपर जो प्रोग्रामिंग है दैट इज समथिंग एल्स, क्योंकि बैक एंड के ऊपर जो आप काम करते हो दैट इज वर्किंग ऑन दिस वे। आप जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा, वो क्वेश्चन ये था कि आप बिल्कुल इसको सिंपलीफाई बनाएं, तो जवाब सिंपली यही होता है कि जो वेबसाइट होती है, जो आपको नजर आ रही है, जो आपको ये चीज इंटरफेस दिख रहा है, इंटरफेस जो नजर आ रहा है, दैट इज योर सिंपल वेबसाइट। इसको आप आराम से वेबसाइट कह सकते हैं या ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। सो दैट्स अ सिंपली वेबसाइट, जिसको हम फ्रंट एंड का इंटरफेस कहते हैं, फ्रंट एंड का इंटरफेस। अब इंटरफेस का मतलब होता है जो आपको नजर आ रहा है। तो वेब डिजाइन में जो चीज आपको नजर आती है या जिसकी वजह से आपको वेबसाइट नजर आती है उसको कहते हैं HTML, उसको कहते हैं CSS। दो चीजें जो आपको टेक्निकली तौर पे नजर आती हैं। जी ज़ायदा, यू जस्ट रेज योर हैंड। ओके, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से मैसेज बॉक्स में क्वेश्चन कर सकती हैं। डोंट वरी, आपके क्वेश्चन का आंसर बखूबी आराम से दे दिया जाएगा। उसके बाद हमें डिफरेंट चीजें नजर आती हैं ना, लाइक इस पे कोई चीज स्लाइड चलती हुई नजर आ जाएगी, इस पे कोई ऐसी चीज नजर आ जाएगी जो कि जैसे इस पे कोई एनिमेशन नजर आ जाएगी किसी साइट पे, तो वो की जाती है जावास्क्रिप्ट के थ्रू। मतलब इसी बॉक्स के अंदर आपको कोई वीडियो चलती हुई नजर आ जाए, इसी सेम बॉक्स के अंदर आपको कोई चीज चलती हुई नजर आ जाए, जैसे ये वीडियोस यहाँ पे लगी हुई हैं, जैसे ये चल रहा है, ये जावास्क्रिप्ट है, जैसे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको कोई चीज नजर आ रही है, दिस इज योर जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट, इसको जावास्क्रिप्ट कहते हैं। हमारे पास ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। अच्छा, अब फिर आया था बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप इज अ वे ऑफ कॉम्बिनेशन थ्रू विच योर वेबसाइट लुक लाइक। आपकी वेबसाइट किस तरह दिखेगी, आपकी वेबसाइट किस तरह दिखती है, आपकी वेबसाइट पे क्या दिखना चाहिए, आपकी वेबसाइट पे क्या होना चाहिए, या आपकी वेबसाइट पे क्या क्या चीज होनी चाहिए। सो दैट्स योर बूटस्ट्रैप। आपका वेबसाइट डिजाइन कैसा होना चाहिए। जब वेबसाइट डिजाइनिंग की बात करते हैं ना, वी टॉक अबाउट द बूटस्ट्रैप। हमजा, मुझे आपके क्वेश्चन का समझ नहीं आया। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन मुझे बता दो। अच्छा, इसके बाद तो बूटस्ट्रैप इज द वे दैट यू आर लुकिंग टू योर वेबसाइट। उसके अंदर सीडीएन की एक कॉम्बिनेशन होता था पुराना। वालेकुम अस्सलाम सर, बूटस्ट्रैप सीएसएस की लाइब्रेरी है? यस, डेफिनेटली बूटस्ट्रैप इज अ लाइब्रेरी फॉर सीएसएस। जैसे मैं कह रहा था ना, इसको आउटलुक में आ रहा है सारा कि कैसे दिखेगा। सर, एचटीएमएल एंड सीएसएस, एचटीएमएल में हम हेडिंग एंड टैग्स यूज करते हैं, सीएसएस में डिजाइन। आमना अमजद, यस यू आर राइट, लेकिन एडवांस में समटाइम्स वी चेंज द थिंग्स, क्योंकि मन स्टैक है। मन स्टैक में देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैज बीन चेंज्ड, दैट हैड बीन चेंज्ड, दैट विल गोना चेंज। सो दैट्स हाउ एक्चुअली इट वर्क। सर, जो लेक्चर वीडियो है। जी सायदा, आगे। अच्छा, इसके बाद व्हाट इस इसमें कोड शो नहीं होता? अच्छा, ठीक है। ओके, आई विल ट्राई कि मैं अगेन दैट लेक्चर्स को देखूं। एंड काइंडली क्लियर जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप क्लियरली एंड बेसिक। यस, हां ना, मैं इसको क्लियर कर देता हूं। यूएस रेज द हैंड, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी देन टेक्स्ट मी ओवर द मैसेज बॉक्स, आई एम गोइंग टू डिलीवर इट। अच्छा बच्चों, फिर इसको हम दोबारा करते हैं। आमना का जैसे क्वेश्चन है कि जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप इसको क्लियर करना है कि ये एंड बेसिक। हमें ना एक वेबसाइट नजर आती है, हम फेसबुक खोलते हैं, हम कुछ भी चीज ओपन करते हैं ना। अच्छा, स्क्रिप्टिंग पता क्या है? जैसे हम MIT की वेबसाइट पर आए, स्क्रिप्टिंग क्या है? जावास्क्रिप्ट होता है कि ये ऑटोमेशन चल रही है ना, यहाँ पे ये ऑटोमेशन नजर आती है, ये ऑटोमेशन नहीं है, किसी बॉक्स के अंदर वीडियो का चल जाना,
या किसी भी जगह पे, या आपने देखा होगा जब आपका इंटरनेट ऑफ हो जाता है तो HTML में वैसे वो चीज कोड लग जाती है, सो डोंट, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपकी वेबसाइट थोड़ी सी फास्ट चलती है ना और वो ऑटोमेटिकली किसी चीज पे परफॉर्म कर रही होती है, उसको जैसे भी ऑटोमेटिकली परफॉर्म कर रही है, इसको कहते हैं जावास्क्रिप्ट। व्हेन द साइट परफॉर्मिंग ऑटोमेटिकली तो ये आएगा जावास्क्रिप्ट। सर ये सब लेक्चर की डॉक्यूमेंट फाइल प्रोवाइड करेंगे क्या? यस बिलीव इनकी डॉक्यूमेंट फाइल प्रोवाइड की जाएगी, लाइक एड्स एंड वेबसाइट और जेएस। नहीं, वो जेएस नहीं होती, वो एड्स होती हैं, उनको एक एक्सटेंशन के थ्रू हम ना ऐड किया जाता है, जावास्क्रिप्ट नहीं होती, एक और एक्सटेंशन होती है एजेक्स के थ्रू उसको वहाँ पे ऐड किया जाता है, जो आपको वेबसाइट्स पे एड्स नजर आती हैं। सो देयर इज अ क्वाइट बिट डिफरेंस इन थिंग्स। ओके, अब वेबसाइट ने दिखना कैसे है, अब आपकी वेबसाइट दिखेगी कैसे, तो हम क्या करते हैं, इसका कोई डिजाइन तैयार करते हैं, इसका डिजाइन लेते हैं। अच्छा, अगर हम बना बनाया लेआउट उठा लेते हैं किसी भी जगह से, देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहां से हम बना बनाया लेआउट ले लेते हैं, तो अगर हम बना बनाया लेआउट लेते हैं या बना बनाया इंटरफेस लेते हैं, तो उसका मतलब है कि हम बूटस्ट्रैप ले रहे हैं। मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, CDN बूटस्ट्रैप, ये देखें बूटस्ट्रैप 4। If we are using a template, ये हमारे पास bootstrap के ना कुछ templates given होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये CSS की library है। सर कब तक प्रोवाइड हो जाएंगी डॉक्यूमेंट फाइल? आपको ना मंडे तक सारी डॉक्यूमेंट फाइल वहाँ पे अपडेटेड रहेगी, जो जिस लेक्चर के अकॉर्डिंग होगा। We are working on the document files, तो सबकी सब जो है ना वो उसके अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएंगे। अच्छा, so how it look like? Bootstrap will be there to work on. Bootstrap is always there for the working of the website. Acha, bootstrap ke baad hum kya karte hain, isko design karte hain ya iski speed test karte hain. So while we are talking about the speed, to hum react pe chale jate hain. React pe chale jate hain ya hamare paas aa jati hai angular, ek aur front end hai jo month stack ke sath ki jati hai, angular typescript ya angular खाली get bootstrap जी वेब से कोड कॉपी करके हम वेबसाइट डिजाइन करते हैं। यस यस, बिल्कुल ऐसे ही होता है ज़ाहिदा, यू आर राइट ज़ाहिदा कासर, बिल्कुल सेम ऐसे ही किया जाता है कि हम वेब bootstrap का कोड कॉपी करते हैं और हम अपने उसके लेआउट की डिजाइनिंग में उसको डाल देते हैं। सर विच वन इज बेटर, मीन और मन? Acha, it's like Hamza, it's month stack is much better than the mean stack. Why? Kyunki hamare paas jo React hoti hai na, it's much faster than the Angular right now, because React is working over all around the globe, even the Facebook. So that's why. Acha, to hum, sir kindly tell me what is mean and man. Acha, yahan pe sirf humna ek cheez ka difference hai, जहाँ पे R है वहाँ पे React आ जाता है, जहाँ पे A है वहाँ पे Angular आ जाता है या Ajax आ जाता है। सो डिफरेंट क्राइटेरिया है बैक एंड के ऊपर और फ्रंट एंड के ऊपर, सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस कि हम इसको किस तरह चेंज करते हैं या कैसे ये चेंज होती है। तो चेंजिंग के अलावा, वेबसाइट के फ्रंट एंड के लुक के अलावा, हम ना एक छोटा सा कोड स्टडी करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा कोड लिखते हैं, उसके बाद फिर हम वेबसाइट पे आते हैं, फिर हम बाकी सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स फाइंड अ लिटिल बिट कोड। तो मैं करता क्या हूँ, ये मेरा क्लाइंट साइड है, इट मींस कि ये मेरी फ्रंट एंड पे आ रही है, तो इसमें मेरे पास HTML आ गया, फ्रंट एंड डेफिनेटली, तो मेरे पास मेरा HTML होगा। अब दिस इज माई HTML, जो आप सबको ऑलरेडी आइडिया है कि HTML क्या है, मीन स्टैंड्स फॉर, अच्छा राशिद, इट्स MongoDB, Mongo, M for Mongo, E for Express, R for React, and N for Node. Same as mean is M for Mongo, E for Express, A for Angular, and N for Node. So I learned web designing some years back, but couldn't continue due to some reasons and went out practice. I had worked on Adobe Dreamweaver with the div command. I wanted to refresh it all. Okay, Jawad, आपने काम अच्छा किया हुआ है Adobe Dreamweaver के ऊपर। Dreamweaver पे मैंने अपने time पे, मेरा time पे वैसे Dreamweaver ही होता था, बल्कि नहीं, मेरे time के बाद Dreamweaver बना, जब industry में जाके practice करवाना start किया था, उस time पे Dreamweaver आया था।
उससे पहले हमारे पास नोट पैड थे या विजुअल स्टूडियो कोड था या उससे पुराना बाकी सारा अवेलेबल था। तो डीवी जिसपे आप डेटेज पे जिसको हम डीवी कहते थे या डीवी कमांड्स कहते थे, तो आपने बहुत अच्छा काम किया है, सो यू ऑलरेडी नो अबाउट द डिफरेंट कमांड्स। तो इस सेशन में भी अगर आप देखो तो फ्रंट एंड पे तो आप इजिली काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड तो सिंपल एचटीएमएल होता है। फिर इसके बाद आपके पास सपोर्ट में प्लगइन्स आ जाते हैं, कमांड्स आ जाती हैं। अब ये देखें कि हमारे पास ना जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है, स्क्रिप्टिंग की गई है इसमें रिएक्ट की, रिएक्ट इस पे क्या काम करता है, किस तरह काम किया जाता है। अगर मैं इसको पॉइंट बाय पॉइंट एक्सप्लेन करूं तो इसको ऐसे एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो जब भी हमारी कोई वेबसाइट आती है ना तो वेबसाइट के दो हिस्से होते हैं। सर सीएसएस और बूटस्ट्रैप का डिफरेंस भी बता दें। अच्छा, सीएसएस एक्चुअली डिजाइनिंग है और बूटस्ट्रैप एक्चुअली पूरा बना बनाया डिजाइन। CSS में आप अपनी मर्जी से चीजों को चेंज करते हैं, सो बूटस्ट्रैप इज एक्चुअली वर्किंग ऑन थीम्स। उसमें एक थीम ऑलरेडी बिल्ट इन होती है, आप उस थीम को पिक करते हो और उसको एडिट करते हो अपने अकॉर्डिंग एंड अप करते हो। CSS है, आपको उसका हर हेडर फुटर मार्जिन साइड लाइन ईच एंड एवरीथिंग आप कर सकते हैं, जबकि CSS और बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी CSS बनी बनाई है। कहने का मकसद ये है और CSS जो अगर आप खाली लिखते हो तो आप अपनी मर्जी से सारी कस्टमाइज लिखते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस इन द बूटस्ट्रैप एंड द CSS, लाइक वर्डप्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप। सो बूटस्ट्रैप इस तरह से हम ना यस सॉर्ट ऑफ यू आर राइट, वर्डप्रेस में आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो और आपकी चीजें बनना की होती है, बूटस्ट्रैप में आपके पास बनी बनाई चीजें आती है, समटाइम्स कलर होते हैं, कलर्स होते हैं, आप कलर्स को क्या करते हो, कलर्स को सेम कम्बिनेशन में रखते हो तो आप वो कम्बिनेशन देखने नहीं पड़ते, आपको बनी बनाई एक इंटरफेस मिल जाता है, आप उसको सिर्फ अटैच कर देते हो तो आपका एक वेबसाइट की थीम बनना स्टार्ट होता है। दैट्स समहाउ इंटररिलेटेड। नहीं, जब आप ट्री व्यूअर अब नहीं काम करता, अब उसकी जगह पे राइडर है, लाइक आई एम यूजिंग इट राइट नाउ। द राइडर, राइडर इज वन ऑफ the basic tool, yeah, one of the major tool that we are going to use for our development or things. So that's actually the original work. अच्छा, React पे थे। तो अगर मैं इस चीज को explain करूँ point by point, तो actually technically part क्या होती है कि आपको दो sides मिलती हैं, एक है front end, एक है back end. So front end में आपके पास client होता है, back end में आपके पास सर्वर होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? फ्रंट एंड उसको सिर्फ दिख रहा है, बैक एंड उसको जो नहीं दिख रहा लेकिन वो स्टिल काम कर रहा है, सो दैट्स व्हाई उसको सर्वर एंड कहा जाता है। और सर्वर एंड इस वजह से कहा जाता है कि आपकी जो वेबसाइट है या आपका जो डेटा है वो उस पे राउट हुआ होता है। अच्छा, एक्चुअली मैंने वॉइस म्यूट कर दी थी, दैट्स व्हाई। अच्छा, तो सर रिएक्ट में हम रडक्स एक्सेस वगैरह कवर करेंगे। अच्छा यार, रिएक्ट में ना रडक्स ऑटोमेटिकली एक और फ्रेमवर्क है, रिएक्ट एक अलग से है, फिर साथ नेक्स्ट जेएसपी नेक्स्ट भी आ जाएगा, रेक्स भी आ जाएगा, सो बहुत से और भी फ्रेमवर्क फिर साथ अटैच हो जाएंगे। तो हम रिएक्ट के अंदर सिर्फ रिएक्ट ही करेंगे, हमने रडक्स को नेक्स्ट को या दूसरे फ्रेमवर्क्स को नहीं छेड़ना, क्योंकि जो मार्केट की डिमांड है हम उसके अकॉर्डिंग आएंगे। अब जैसे अगर रिएक्ट को देखते हैं उससे कंबाइन करते हैं लाइक नेक्स्ट जेएस से, नेक्स्ट जेएस पे तो एक टर्मिनोलॉजी अब आ चुकी है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ,
नेक्स्ट ईयर से है ना वो रेक की जगह ही आई थी, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी तरह रेडक्स है, रेडक्स जब आप बैकएंड के ऊपर जाते हो ना, तो अगर आप कहते हो कि मैंने रेक के फ्रेमवर्क को ही किसी हद तक मैंने बैकएंड के ऊपर रखना है, तो आप रेडक्स पे आ जाते हो। फिर रेडिश है, फिर रूबी रेल्स है, सो बहुत सी चीजें मन स्टैक में कैलकुलेट या काउंट की जाती है, लेकिन हम हर चीज को डिस्टर्बेंस आ रही है मुझे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपने एयरपॉड्स को किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रक्शन फ्री कर दूं। ओके आई गेस, तो इसमें फिर हमारे पास ये भी आ जाता है, नेक्स्ट ईयर भी आ जाएगी, विच मीन्स कि हम फिर फ्रंट एंड से ही नहीं हटेंगे। अगर हम इतनी क्यूरीज को देखेंगे, जैसे नेक्स्ट है, फिर रेस्ट है, फिर नेक्स्ट है, फिर रेडक्स है, फिर हमारे पास रेडक्स है, एंड रूबी इन रेल्स आ जाता है, फिर रूबी ऑन रेल्स आ जाता है। सो इस तरह तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि सिर्फ डेवलपमेंट में ही काउंट होती हैं या डेवलपमेंट में ही आती हैं। सो हम हर चीज़ को तो उस हिसाब से कवर नहीं करते, बट वी ऑल ट्राई आर बेस्ट कि आपको हर चीज़ को कवर करवा के बताई जाए जो एक्चुअली पार्ट होता है आप मार्केट की डिमांड का। अच्छा, तो क्लाइंट साइड होती है और एक सर्वर साइड होती है मंथ के अंदर। अब क्लाइंट साइड में आते हैं, क्लाइंट साइड पे सिर्फ हमें दिखाना है फ्रंट एंड पे उसने क्या देखना है। ये इसका फ्रंट एंड है, जो वो फ्रंट एंड पे देखेगा, अच्छा मुझे ये चीज नजर आ रही है। ओके सो रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, ओके यस सर स्टार्ट की, ओके यस रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी इसके बाद, सो डोंट वरी, रिकॉर्डिंग विल बी अपीयर ऑन योर साइट, सो डोंट वरी अबाउट इट। अच्छा, तो फ्रंट एंड के ऊपर आपको HTML मिलता है, इसके बाद आपने इसकी वेबसाइट की डिजाइनिंग करनी है। डिजाइनिंग के लिए आपको डिफरेंट सपोर्ट वगैरह चाहिए, डिफरेंट वर्किंग चाहिए, तो आप क्या करते हो, आप React.js के पास चलते हो। आप एंड टू एंड आप ये बताएगा कि आपकी वेबसाइट पे क्या दिखेगा, क्या कौन बंदा क्या चीज क्रिएट कर सकता है, ये उसका फ्रंट लेआउट आ रहा है, जिसमें सिर्फ पास क्या हो रहा है प्लगइन, ये हमारे पास इंडेक्स आ रहा है कि उसको दिखाना क्या है, सिर्फ कमांड्स। तो ये हमारे पास फ्रंट एंड का क्लाइंट हुआ। अब इसके अंदर कौन कौन सा डेटा जाएगा, दिस इज अ डेटा, पहले उसने क्रिएट किया, रिएक्ट के अंदर एक पूरा फोल्डर है जिसमें वो सारा डेटा जो उसको चाहिए वो क्रिएट करके बताएगा कि मुझे ये चीजें यहाँ से रिक्वायर्ड हैं, ये चीजें उसको रिक्वायर्ड होंगी। वाइल क्रिएशन ऑफ फॉर्म, तो उसको ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी, नेम, पोजीशन एंड लेवल। फिर इसी तरह ही एडिट कर सकेगा वो इस फॉर्म को, नेविगेशन बार आ गई इस फॉर्म की, क्या आगे जाना है, कहाँ पीछे जाना है। इसके बाद रिकॉर्ड लिस्ट, तो ये डेटाबेस में भेजेगा कि इसको कौन सा रिकॉर्ड इसको चाहिए, कौन सा रिकॉर्ड इसको नहीं चाहिए। सो टेक्निकली स्पीकिंग, जब हम इससे ऊपर आगे आते हैं, HTML CSS से जब ऊपर आ रहे हैं, बूटस्ट्रैप हो गया, तो इट मींस कि इन सारी चीजों को किसी ना किसी डेटा सर्वर में सेव करवाना, इट मींस कि इन सबको सेव करवाएंगे किसी डेटाबेस में, तो ही हम आगे किसी वे में इसको कनेक्ट कर सकेंगे किसी फ्रेमवर्क से। सो एक्सप्रेस एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसपे सारी की सारी जो प्रोग्रामिंग है नॉट की वो डिजाइन की जाती है, इसकी प्रोग्रामिंग डिजाइन की जाती है इस फ्रेमवर्क के ऊपर। अगर हमें डेटाबेसेस जो है वो डिफरेंट तरीके से मिल रहे हों, तो हम इस फ्रेम के ऊपर नॉट की वर्किंग को शो करते हैं या शो करवाते हैं, उससे फायदा क्या होता है, क्योंकि नॉट जेएस में हमारे पास बैकएंड है, टोटली क्या है, टोटल सर्वर है, वेब सर्वर, टोटली सर्वर एंड है जिसका कोई नेमल बदल नहीं है, कि जिसके बगैर हम वेबसाइट नहीं रन कर सकते। इसके अलावा भी हम ना यूज कर सकते हैं, हमारे पास MySQL है, हमारे पास SQLite है, हमारे पास SQL Simple है, Oracle है, हमारे पास Auto है, हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है through which we can easily store the data. Data is not the biggest thing that we need to store. So data is totally a different way that we connect towards something. So data is something that we need to connect. So MongoDB
या मोंगो आपकी जब उसके साथ कनेक्ट होती है तो इट मीन्स कि ये जो सारा यहाँ पे फ्रंट एंड पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं तो जाके लैंड करेगा, किसी ना किसी डेटाबेस में जाके लैंड करेगा। ये डेटाबेस के दरमियान में हमने कनेक्शन बनाया जो एक्चुअली MongoDB का कनेक्शन रीड और राइट, उसको यहाँ से फंक्शन मिलेगा कनेक्ट करने के बाद, और यहाँ से सारा डेटा वो स्टोर करेगा किसका, एम्प्लॉयज का, अपने डेटाबेस में। अब डेटाबेस में जब वो राउट होगा डेटा तो हर बंदे का अपना एक रिकॉर्ड बनेगा। वो रिकॉर्ड कौन सा बन रहा है, ये रिकॉर्ड क्या बन रहा है, ये रिकॉर्ड बनेगा वही जो हमने उसको HTML में दिया है दिखाने के लिए, और यहाँ पे क्रिएट के अंदर उसको जो टेम्पलेट दिए हैं, जो भी एक वर्किंग दी है, वो यहाँ पर उसकी चीजों का रिकॉर्ड बन रहा होगा। विच मीन्स कि डेटा रिकॉर्ड के लिए हमारे पास कोई बैकएंड के ऊपर सर्वर होना लाजमी है। While we are going to have a server, तो हम डेटा एंड पे या डेटा रिकॉर्ड पे उसके साथ काम कर सकते हैं। जब डेटा रिकॉर्ड पे हम उसके साथ काम करें, क्योंकि हमारे पास सर्वर है तो हम अपना डेटा भी सेव कर रहे हैं। सर मोंगो में डिफरेंस पता क्या आता है, मोंगो में डिफरेंस ये है कि हम टेबल्स नहीं बनाते। मोंगो डोंट हैव टेबल्स कनेक्टेड टू दिस वन। मोंगो में टेबल नहीं होते, ये टेबललेस डेटाबेस कहा जाता है। MongoDB MySQL होती है, उसमें टेबल्स होते हैं, हमें उसमें टेबल क्रिएट करने पड़ते हैं। बल्कि NoSQL, yes, but sure you are right. So Mongo is actually the NoSQL without tables. तो एक्चुअल में हमारे पास जो मेजर हमारी वेबसाइट्स होती हैं, जैसे दराज है, जैसे हमारे पास Amazon है, ये इस तरह की जो भी वेबसाइट्स हैं बड़ी बड़ी, नहीं नहीं हम एक्चुअली अगर डेटाबेस फ्रंट एंड से कम्युनिकेट करते हैं तो हम इजीली उसको चेंज भी कर सकते हैं। ये बहुत साल पहले ऐसा कुछ हुआ था कि हम रेस्ट से या एंगुलर से ट्रैक डेटाबेस रिजल्ट स्टोर कर रहे थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब डेटा लेके स्टार्ट हुआ तो हमें प्रॉब्लम्स वगैरह स्टार्ट हो गई। सो उसकी वजह से फिर दे स्टॉप वर्किंग टू, अभी भी लोग कर जाते हैं काम किसी ना किसी वे में, लेकिन रिकमेंडेशन ये है कि आप ऐसा नहीं करते। सो सीरियस एंड के ऊपर से अपने से ये वेबसाइट्स बनी है। सो टेक्निकली ये वेबसाइट कम्प्लीटली मंथ स्टैक पर डिज़ाइन की गई है, क्योंकि इस साइट का जो रिस्पॉन्स है वो बाकी साइट से बहुत तेज है। इस साइट का रिस्पॉन्स क्यों तेज है, क्योंकि इस वेबसाइट को डिज़ाइन उन्होंने काफ़ी टाइम के बाद किया। पहले ये वर्डप्रेस पे थी, फिर ये HTML पे गई, फिर अब ये पूरी कंप्लीट मंथ स्टैक के स्ट्रक्चर को फॉलो कर रही है। मंथ स्टैक का पूरा स्ट्रक्चर फॉलो होने का मतलब है कि इसके अंदर हर चीज़ है वो मंथ स्टैक की ही कंटिन्यू है, हर चीज़ जो है वो मंथ स्टैक के अकॉर्डिंग ही चल रही है, हर चीज़ जो है वो मंथ स्टैक की वजह से ही चल रही है। विच मीन्स कि ये किसी फ्रेमवर्क से कनेक्ट होके डेटा स्टोर करती है, किसी फ्रेमवर्क से कनेक्ट होके डेटा डेटाबेस में स्टोर करती है, विद नो सीक्वल, नो टेबल, नो नथिंग। सो एक्चुअली में जो हमारे पास वेबसाइट बनती है मंथ स्टैक के अंदर, सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्ट, एक्सप्रेस, मोंगो एंड नॉट। Through which we can easily design different websites, through which we can easily design different back servers. हमारे पास server end programming भी इसी तरह की जाती है। तो website हो या कोई भी ऐसी चीज हो, हम दोनों को एक जगह पर ही connect करके इसको लेके चल रहे होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी अच्छा दूसरा ये इस वजह से इंट्रोडक्शन है। अच्छा खान मुबशिर खान एजेक्स और हाँ इस वजह से है कि ये इंट्रोडक्शन है, क्योंकि जिस वक्त हम आगे आगे सेशंस में जाएंगे हमें आइडिया होता जाएगा कि हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अब एजेक्स में जो चीजें चेंज होती हैं, एक्चुअली दो वर्किंग है, एक क्यूरी के लिए की जाती है और एक की जाती है
हमने उसकी दोनों हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, दोनों लाइब्रेरीज हैं, एक बस क्यूरी पे जाएगी और एक फेचिंग द डेटा होता है, वशर एक क्यूरी है और एक फेच द डेटा है, सो दैट्स द मेजर डिफरेंस इन योर क्वेश्चन। अच्छा हम ना इस वजह से कंफ्यूजन है कि अभी हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे इस सेशन में, जस्ट इंट्रोडक्शन है टू टेल यू गाइस के मंथ स्टैक एक्चुअली है क्या, व्हाट इज एक्चुअली द मंथ स्टैक, क्योंकि जब आपको ये बनाना सिखाया जाएगा कि रिएक्ट के अंदर पहले प्रोग्राम कैसे करते हैं, फिर आगे प्रोग्रामिंग कैसे की जाएगी, फिर बैकएंड उससे कैसे कनेक्ट किया जाएगा, तो फिर आपके लिए सारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। बट बिफोर दैट ये जैसे एन इंट्रोडक्शन था कि हम एक्चुअली वर्किंग कैसे करेंगे या आपके पूरे इस कोर्स में कैसे वर्किंग की जा रही होगी और आपको किस किस डिटेल का पता होना चाहिए कि ये मंथ स्टैक है, क्योंकि सेशन का जो टाइम है वो बहुत टाइम बाद थोड़ा सा डिले बताया जाता है। हाँ ये एक्चुअली कोर्स आउट लाइन ही थी राशिद जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा था, ये कोर्स आउट लाइन ही आगे सामने ओपन है, तो इसी वजह से ये सेशन रखा गया था ताकि आपको ये बता दिया जाए कि एक्चुअली कोर्स में हम क्या करने जा रहे हैं, कोर्स में क्या क्या चीज़ें डिस्कस होने जा रही हैं। जब आपके पास ये जूम सेशन रिकॉर्डेड होगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम एक्चुअली ये सेशंस जूम सेशन तब बता दें कि इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग कब और कहाँ से अवेलेबल होगी। अच्छा नतालिया नतालिया आई गेस LMS में आपका Zoom session का एक टैब है, वहाँ पर आपको ये सारे sessions updated मिल जाएंगे in just a day, आज रात 12 बजे के बाद आपको वो sessions वहाँ पे अपडेट मिल जाएंगे। और GitHub हो GitHub है आउटलाइन GitHub तो बहुत ईजी है, तो जाहिर बात है हम GitHub को यूज़ करेंगे। या आपको मैं एक मजे की चीज़ बताता हूँ, Docker GitHub से मच बेटर है कि हम इसमें मंथ स्टैक में ना डॉकर को यूज़ करें, डॉकर इज मच फास्टर, या सर्कल सी आई, सर्कल सी आई भी इसी तरह काम करता है जैसे GitHub है या GitLab है, GoLab है, इस तरह की डिफरेंट चीज़ें हैं जो हम इस इन सेशंस में या आपको प्रोग्रामिंग के सेशंस में डिस्कस करके बताया जाएगा कि हम क्या क्या इसमें काम कर रहे होते हैं। सो दैट्स एक्चुअली द इंट्रोडक्शन थ्रू विच वी आर गोइंग टू कम्युनिकेट और टेल यू एक्चुअली हाउ इट वर्क्स। तो जो भी अब आपकी क्यूरीज होंगी वी आर गोइंग टू हैंडल ऑल ऑफ योर क्यूरीज, और ये सेशन आपको अपडेट करते जाएगा जो के रिकॉर्डिंग था कोर्स आउटलाइन के। सो स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ।